हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अम्ब्लाइकल कॉर्ड। आपको पता है अम्ब्लाइकल कॉर्ड को भी को फ्यूनिस भी कहते हैं। ज़्यादातर लोगों को अम्ब्लाइकल कॉर्ड पता होता है लेकिन फ्यूनिस नहीं पता होता है, बट अम्ब्लाइकल कॉर्ड को फ्यूनिस भी कहते हैं, ये जान लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्यूनिस और अम्ब्लाइकल कॉर्ड फॉर्म्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फीटस एंड प्लेसेंटा। जो फ्यूनिस या अम्ब्लाइकल कॉर्ड होता है, ये फॉर्म करता है कनेक्टिंग लिंक, कनेक्ट करता है एक लिंक बिटवीन, किसके बीच में? फीटस एंड प्लेसेंटा, फीटस और प्लेसेंटा के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है। थ्रू दिस अम्ब्लाइकल कॉर्ड दैट द फीटल ब्लड फ्लोज टू एंड फॉर्म द प्लेसेंटा, इट एक्सटेंड फ्रॉम द फीटल अम्ब्लाइकल टू द फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा। मतलब ये जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है, ये फीटल और प्लेसेंटा के बीच एक तरह का जंक्शन का वर्क करती है। ये फीटल से प्लेसेंटा के बीच में और प्लेसेंटा से फीटल, प्लेसेंटा जितना भी न्यूट्रिएंट होता है या जो भी ब्लड होता है, जितना सर्कुलेशन होता है, वो प्लेसेंटा किसके थ्रू करता है? अम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू ही करता है। और जो जो फीटस में या एम्ब्रियो में जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन या जो भी निकालना होता है, या एज अ किडनी जो भी वर्क करता है, जितनी भी होता है, ये इसके थ्रू ही पास आउट करता है। अम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू ही, मतलब टोटल ट्रांसपोर्टेशन अम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू ही करता है प्लेसेंटा और बेबी। ये प्लेसेंटा और बेबी को एक दूसरे से जोड़ता है। ओके, डेवलपमेंट। इट इज अ डेवलप्ड फ्रॉम द बॉडी स्टॉक ऑफ मेसोडर्मल टिश्यूज स्ट्रेचिंग बिटवीन द एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड कोरियन। इसका जो डेवलपमेंट होता है, ये डेवलप करती है बॉडी स्टॉक और मेसोडर्मल से, टिश्यू स्ट्रेचिंग बिटवीन एम्ब्रियोनिक डिस्क और कोरियन से, इसका यहाँ से डेवलपमेंट होता है। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं? इट इज़ अ 50 सेंटीमीटर लेंथ विद अ वेरिएशन ऑफ 30 to 100 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये है कि सब में एक जैसी नहीं होता, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, तो ये 30 to 100 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। इट इज़ अ ब्लूश वाइट इन कलर, और इसका जो कलर होता है वो ब्लूश और वाइट में होता है। जो वाइट होती है वो आपकी वेन होती हैं, वेन और आर्टरीज में मतलब होता है, एक वेन और आर्टरीज जो होती हैं वो आपकी ब्लूश और वाइट में होती हैं। ओके, इट्स डायमीटर वेरीज फ्रॉम 1 to 2.5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो 1 to 2.5 सेंटीमीटर होता है। सब में डायमीटर इसका एक जैसा नहीं होता है, ये 1 to 2.5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इट इज़ अ ट्विस्टेड सर्पिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये ट्विस्टेड में होती है, मतलब मुड़ी हुई होती हुई है, स्पायरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट के साइड पे। इसमें जो ट्विस्टेड होते हैं वो 40 ट्विस्ट होते हैं। जो ट्विस्ट होते हैं वो जो होते हैं आपके लेफ्ट से राइट के लिंक में, वो 40 ट्विस्ट होते हैं। इट इज़ अ थिकनेस इज नॉट यूनिफॉर्म। इसकी जो थिकनेस होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, एक हर पूरी मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक जैसी नहीं होती है, कहीं मोटी होती है कहीं पतली होती है, ऐसे होती है। बट प्रेजेंट नोट्स ऑल द स्वेलिंग, और जगह जगह इसमें नोट्स ऑफ स्वेलिंग प्रेजेंट होते हैं हर कई कई प्लेसेस पे। दिस स्वेलिंग आर ड्यू टू अ डायलिटेशन ऑफ द अम्ब्लाइकल वेन। और ये स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि कई कई जगह पे डायलिटेशन हो जाता है अम्ब्लाइकल वेन का और लोकल कलेक्शन ऑफ द वॉटन जेली। और जहाँ पे क्या बोलते हैं स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ कलेक्ट होती है आपकी वॉटन जेली जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड में ही होती है। दिस स्वेलिंग आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स नोट। और ये जो स्वेलिंग होती है हम उसे फॉल्स नोट भी बुलाते हैं। इनिशियली 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स होती हैं। इसमें दो आर्टरी और 2 वेन्स होती हैं। आप लोग कह रहे हो, सोच रहे होंगे, नहीं इसमें तो 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ ये भी। तो आर्टरीज हैव अ कनेक्टेड विद अ फीटल इंटरनल इलियक आर्टरी। जो आर्टरीज होती हैं वो कनेक्ट होती हैं फीटल इंटरनल इलियक आर्टरी से। दे कैरी वीनस ब्लड फ्रॉम, ये कैरी करती हैं वीनस ब्लड फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा। ये कैरी करती हैं वीनस ब्लड फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा। और 2 अम्ब्लाइकल कॉर्ड होती, अम्ब्लाइकल वेन होती, 2 अम्ब्लाइकल वेन्स डेवलप राइट, वन डिसअपेयर। 2 अम्ब्लाइकल वेन होती हैं लेकिन एक जो होती है वो डिसअपेयर हो जाती है। कब? 16th वीक पे। 2 होती हैं लेकिन एक जो होती है वो डिसअपेयर हो जाती है 16th वीक पे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो अम्ब्लाइकल वेन में 2 वेन्स होती हैं वो एक कब डिसअपेयर होती है, तो वो 16th वीक पे होती है। दस सिंगल वेन रिमेन, और सिंगल वेन ही रह जाती है, इसीलिए बोला जाता है कि 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। और ये क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है प्लेसेंटा से फीटस। जो वेन होती है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और जो आर्टरीज होती हैं वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं फीटस से प्लेसेंटा में। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अम्ब्लाइकल कॉर्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ अम्ब्लाइकल कॉर्ड आर लिस्टेड बिलो।
कवरिंग एपिथेलियम, ये इसमें कवरिंग एपिथेलियम होती है, वॉटन जेली होती है, वॉटन जेली मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेसल्स, रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेसल योक सैक, जिसे हम क्या बोलते हैं, योक सैक, रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेसल जिसे हम योक सैक बोलते हैं, एंड इट इज विटेलाइन डक्ट, और इसमें क्या होती है, विटेलाइन डक्ट होती है, एलेंटोसिस होती है, ऑब्लिट्रेटेड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कोलन होता है, ऑब्लिट्रेटेड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कोलन होता है। आपके लिए यही जानना सफिशियंट है कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में इतना डीपली नर्सिंग में नहीं पूछा जाता है। ओके, अटैचमेंट, अम्बिलिकल कॉर्ड इज सेंट्रली अटैचमेंट ऑन फीटल सर्फेस ऑफ प्लेसेंटा एंड एट द अम्बिलिकस ऑफ द फीटस, जो इसका अटैचमेंट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का वो सेंट्रल में होता है, अटैचमेंट ऑफ द फीटल सर्फेस, जो प्लेसेंटा उसमें एक मेटरनल सर्फेस होता है, एक फीटल सर्फेस होता है, तो ये फीटल सर्फेस से अटैच होता है प्लेसेंटा के, और साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द फीट, और फीटस के अम्बिलिकल कॉर्ड में एकदम मिड से ये अटैच होता है। अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं, लाइफ लाइन बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस, ये जो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये लाइफ लाइन होती है बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस, सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, प्लेसेंटा ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट इसी के थ्रू सप्लाई करता है फीटस एंड डिस्पोजिंग वेस्ट प्रोडक्ट, और डिस्पोज भी करता है इसी के थ्रू जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सचेंज ऑफ फ्लूड, एक्सचेंज ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन अम्बिलिकल वेसल्स एंड अम्बिलिकल फ्लूड, एक्सचेंज करता है ये एक्सचेंज करता है ये फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट को किसके थ्रू, अम्बिलिकल वेसल्स और अम्बिलिकल फ्लूड के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है या हेल्पफुल लगता है तो प्लीज जरूर लाइक करें, इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। ओके, प्लीज, थैंक यू वेरी मच।